महापुराण आदि पुराण पर्व 19 नमी विनामी थी। अथंतर व धर्णेन्द्र उस विजयात पर्वत की पहली मेखला पर उतरा और वहां उन दोनों राजकुमारों के लिए विद्याधरों का वह लोग इस प्रकार कहते हुए दिखलाया कि ऐसा मालूम होता था मानो यह पर्वत बहुत भारी होने के कारण इससे अधिक ऊपर जाने के लिए समर्थ नहीं था, इसलिए इसने अपने आप को इधर उधर दोनों फैला कर समुद्र में जाकर मिला दिया। यह पर्वत एक राजा के समान सुशोभित और कभी नष्ट न होने वाला इन दोनों श्रेणियों महादेवियों के समान सुशोभित हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार महादेवियां महाभोग अर्थात भोगोपोग की विपुल सामग्री से सहित होती हैं, उसी प्रकार ये दोनों श्रेणियां भी महाभोग अर्थात बड़े विस्तार से सहित हैं। और जिस प्रकार महादेवियां आयति अर्थात सुंदर भविष्य धारण करने वाली होती है, उसी प्रकार ये श्रेणियां भी आयति अर्थात लंबाई को धारण करने वाली है। पृथ्वी से 10 योजन ऊंचा चढ़कर इस पर्वत की प्रथम मेखला पर यह विद्याधरों का निवास स्थान है, जो कि स्वर्ग के एक खंड के समान शोभायमान हो रहा है। इस पर्वत की दोनों श्रेणियों में रहने वाले विद्याधर ऐसे मालूम होते हैं मानो स्वर्ग से आकर देव लोग ही यहाँ निवास करने लगे हैं। यह विद्याधरों का स्थान हम लोगों के निवास स्थान का संदेह कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार हम लोगों का स्थान महाभोग अर्थात बड़े बड़े फन को धारण करने वाले नागेंद्रों के द्वारा सेवित होता है, उसी प्रकार ये विद्याधरों का स्थान भी महाभोग अर्थात बड़े बड़े भोगोपोग को धारण करने वाले विद्याधरों के द्वारा सेवित है। नाग कन्याओं के समान सुंदर विद्याधरों कन्याओं को देखता हूँ तो सचमुच आज मैं पाताल के स्वर्गलोक का अर्थात भगवान वासियों के निवास स्थान का स्मरण कर रहा हूँ। यहाँ ना तो राजाओं की से उत्पन्न हुआ तीव्र भय और ना शत्रु राजाओं से उत्पन्न होने वाला तीव्र भय है। अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि ईर्ष्या भी यहाँ नहीं होती और ना यहाँ रोग आदि से उत्पन्न होने वाले कोई बाधा होती है। इस महाभारत क्षेत्र में अवसर्पणी काल संबंधी चतुर्काल के प्रारंभ से मनुष्यों की जो स्थिति होती है यही यहाँ के मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति होती है, और उस चतुर्काल के अंत में जो स्थिति होती है वो यहाँ की जगन स्थिति होती है। इस प्रकार चतुर्काल के प्रारंभ में जितनी शरीर की ऊंचाई होती है उतनी यहाँ की उत्कृष्ट ऊंचाई होती है, और चतुर्काल के अंत में जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही यहाँ की जगन्य ऊंचाई होती है। इसी नियम से यहाँ की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ वर्ष पूर्व की और जगन्य 100 वर्ष की होती है, तथा शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई 500 धनुष और जगन्य 7 हाथ की होती है। भावात यहाँ पे आर्यखंड की तरह 6 कालों का परिवर्तन नहीं होता, किंतु चतुर्काल के आदि अंत के समान परिवर्तन होता है। कर्मभूमि में वर्षा सर्दी गर्मी आदि ऋतुओं का परिवर्तन तथा 80 मसीह आदि 6 कर्म रूपी जितने नियोग होते हैं वे सब यहाँ पूर्ण रूप से होते हैं, किंतु यहाँ विशेषता इतनी है कि महाविद्याएं यहाँ के लोगों को इच्छा अनुसार फल दिया करती हैं। यहाँ विद्याधरों को जो महाप्रगति आनी विद्याएं से होती है वे इन्हें कामधेनु के समान यथेष्ट फल देती रहती है। ये विद्याएं 2 प्रकार की, एक तो ऐसी है कि जो कि पितृपक्ष अर्थात जाति मातृपक्ष के आश्रित हैं, और दूसरी ऐसी जो तपस्या करके सिद्ध की जाती है। इनमें से पहले प्रकार की विद्याएं कुल परंपरा से प्राप्त हो जाती है, दूसरे प्रकार की विद्याएं यत्न पूर्वक आराधना करने से प्राप्त होती हैं। जो विद्याएं आराधना करने से प्राप्त होती है उनकी आराधना करने योग्य उपाय यह है कि सिद्धायतन के समीपवर्ती अथवा द्वीप पर्वत या नदी के किनारे किसी अन्य पवित्र स्थान में पवित्र वेश धारण कर ब्रह्मचर्य पालन पथकारण करते हुए उस विद्या की अधिष्ठान देव की पूजा करें, तथा निश्चय पूजा पूर्वक महोपवास धारण कर उन विद्याओं की आराधना करें। इस विधि से तथा तपश्चरण नृत्य पूज जप और होम आदि के अनुक्रम करने से विद्याधरों को वो महाविद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। तदंतर जिन्हें विद्याएं सिद्ध हो गई हैं ऐसे आकाशगामी विद्याधर लोग पहले सिद्ध भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं और फिर विद्याओं के फल का उपभोग करते हैं। इस विजयात गिरी पर ये विद्याधर लोग जिस प्रकार विद्याओं का उपभोग करते हैं उसी प्रकार वे धान्य आदि फल संपदाओं को भी इच्छानुसार उपभोग करते हैं। यहाँ पर धान्य बिना बोहे उत्पन्न होते हैं, यहाँ की बावड़ियाँ फूलों एवं कमलों से सहित हैं, यहाँ के वृक्षों की सीमाएँ एक दूसरे से मिली रहती हैं, यहाँ की गाँव की सीमाएँ एक दूसरे से मिली रहती है और उनमें बगीचे रहते हैं और वे सब फले हुए वृक्षों से सहित होते हैं। यहाँ की नदियाँ रत्नमय बालू से सहित हैं, बावड़ियों तथा पोखरियों के किनारे सदा हंस बैठे रहते हैं और जलाशय के जल से भरे रहते हैं। यहाँ के वन प्रदेश कोकिलों की मधुर कूजन से मनोहर रहते हैं और फूली हुई लताएं गुंजार करती हुई भ्रमरियों के संगीत से संगत होती हैं। यहाँ पर ऐसे कृत्रिम पर्वत बने हुए हैं जो चंद्रकांत मणि की बनी हुई सीढ़ियों से युक्त हैं। लता ग्रह से सहित विद्याधारियों के संभोग करने योग्य हैं और सबके सेवन करने योग्य हैं। यहाँ के पुरखाने और गाँवों की रचना बहुत ही सुंदर है, वे बहुत ही बड़े हैं और नदी तालाब बगीचे धान के खेत तथा ईखों के वन से सुशोभित रहते हैं। यहाँ के स्त्री और पुरुषों की स्त्री रति और कामदेव अनुकरण करने वाली तथा वे हर
प्रकार के भोगों, भोग की संपदा से भरपूर होने के कारण स्वर्ग के भोगों में भी अनुसक्त रहती है। इस प्रकार मनुष्य की प्रसन्नता के कारण स्वरूप जो जो विशेष पदार्थ हैं वे सब भले ही स्वर्ग में दुर्लभ हो परंतु यहाँ पद पद पर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार ये पर्वत विद्याधरों के योग अतिशय मनोहर समस्त विशेष पदार्थों को मानव कौतूहल से ही अपनी गोद में धारण कर रहा है। जो ऊपर कही हुई शोभा और संपत्ति के निधान स्वरूप हैं, ऐसी इन दोनों श्रेणियों पर यह नगरों की बहुत ही सुंदर रचना दिखाई देती है। यह दोनों श्रेणियां पृथक पृथक 10 योजन चौड़ी हैं और पर्वत की लंबाई के समान समुद्र पर्यंत लंबी है। इन दोनों श्रेणियों में चौड़ाई आदि का किया हुआ तो कुछ भी अंतर नहीं है, परंतु उत्तर श्रेणी की लंबाई दक्षिण श्रेणी की लंबाई से कुछ अधिक रखती है। इन्हीं 10 तीनों उत्तम श्रेणियों में कम से 50 और 60 नगर सुशोभित हैं। वे नगर अपनी शोभा से स्वर्ग के विमानों की भी हंसी उड़ाते हैं। बड़ी विभूति को धारण करते हुए इन नगरों में विद्याधर लोग निवास करते हैं और देवों की तरह अपने पुण्योदय से प्राप्त हुए भोगों का उपभोग करते हैं। इधर यह पूर्व दिशा में एक किन्नामित नाम का नगर है जो मानव स्वर्ग को छूने के लिए ऊंचे बड़े हुए गगनचुंबी महाराज राजमहलों को सुशोभित कर रहा है। वह बड़ी विभूति को धारण करने वाला 2 किन्नर गीत नाम का नगर दिखाई दे रहा है, जिससे कि उद्यान किन्नर जाति के देवों के गीतों को सदा सेव करने योग्य होते हैं। इधर यह बड़ी विभूति को धारण करने वाला 3 नरगीत नाम का नगर शोभायमान है, जहाँ की स्त्री पुरुष सदा उत्सव करते हुए प्रसन्न रहते हैं। इधर ये अनेक पताकों से सुबह 4 बहुकेतुक नाम का नगर, जो ऐसा मालूम होता है कि मानव पताका रूपी भुजाओं से हम लोगों को बुलाने के लिए ही तैयार हुआ हो। जहाँ सफ़ेद कमलों के ये वनों में हंस कानों में अच्छे लगने वाले मनोहर शब्दों द्वारा सदा गंभीर रूप से गाते रहते हैं, ऐसे 5 पुंडरीक नाम का नगर है। यहाँ इधर यह 6 सिंह ध्वज नाम का नगर है, जो महलों के अग्रभाग के लगी हुई सिंह के चिन्ह से चिन्हित ध्वजाओं के द्वारा सिंह की शंका करने वाले देवों का मार्ग रोक रहा है। इधर ये 7 श्वेत केतु नाम का नगर सुशोभित हो रहा है, जो कि महलों के अग्रभाग पर फहराती हुई बड़ी बड़ी ध्वजाओं से सुशोभित ऐसा मालूम होता है मानो दूर से कामदेव को बुला रहा हो। इधर ये समीप में गरुड़ मणि से बने हुए महलों के अग्रभाग में आकाश रूपी आंगन को व्याप्त करता हुआ 7-8 गरुड़ध्वज नाम का नगर शोभायमान हो रहा है। इधर ये लक्ष्मी की शोभा से सुशोभित 9 क्षिप्रभ और 10 श्रीधर नाम के उत्तम नगर है। ये दोनों नगर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो इन्हें परस्पर की स्पर्धा से अधिक शोभा धारण की हो। जो लोहे के अर्गलों से अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा 11 नाम का लोहार्गल नाम का नगर है और ये 12 अरिंजन नाम का नगर, जो अपने गोपुरों से ऐसा मालूम होता है मानो शत्रु को जीत हंसी रहा हो। इस प्रकार 13 वज्रागल और 14 वज्रा नाम के 2 नगर सुशोभित हो रहे हैं, जो अपने हीरो की खानों समीपवर्ती हीरो की खानों से ऐसे मालूम होते मानो प्रतिदिन बढ़ ही रहा हूँ। इधर ये 15 विमोश नाम का नगर और इधर 16 पूर्ण जय नाम का नगर है। ये दोनों ही नगर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो भवन वासी देवों का लोक इनसे पराजित होकर ही नीचे चला गया हो। इधर ये 17 शकटमुखी की नगर है और इधर ये 18 चतुर्मुखी नगरी सुशोभित है। ये नगर चतुर्मुखी नगरी अपने ऊँचे ऊँचे चारों गोपुरों से ऐसी मालूम होती है मानो आकाश रूपी आंगन का उल्लंघन ही कर रही हो। यह 19 बनुमुखी और ये 20 अर्जस का और ये 21 वृष का नाम की नगरी, ये तीनों ही नगरी ऐसी मालूम होती है मानो तीनों लोकों की लक्ष्मी को एक ही जगह की मिली है। ऊपर कहे हुए आगे कहे जाने नगरों में तिलक के समान आचरण करता है ऐसा यह 22 रथ नुपुर चक्रवाल नाम का नगर है। यह नगर इस श्रेणी की राजधानी है। विद्याधरों के चक्रवर्ती राजा अपने पुण्योदय से प्राप्त उत्कृष्ट लक्ष्मी का उपभोग करते हुए इस नगर में निवास करते हैं। इधर यह मनोहर 23 मेखलाग नगर है। यह 24 क्षेमपुरी नगरी है। यह 25 अपराजित नगर है और यह 26 कामपुष्प नाम का नगर है। यह 27 गगनचरी नगरी है। यह 28 विनयचरी नगरी है। 29 चक्रपूर्ण नाम का नगर है। यह 30 को संख्या पूर्ण करने वाली 30 संजयती नगरी है। यह 31 जयंती और यह 32 विजया और यह वैजयंतपुरी है। ये 34 क्षेमंकर, ये 25 चंद्राव और ये अतिशय दैदीप्यमान 36 सूर्याब नाम का नगर है। 37 रटिकूट, 38 चित्रकूट, 39 महाकूट, 40 हेमकूट, 41 मेघकूट, 42 विचित्रकूट और 43 वैश्रवकूट नाम के नगर हैं। ये अनुक्रम से 44 सूर्यपुर, 45 चंद्रपुर और 46 नित्योधोनी नाम के नगर हैं। ये 47 विकमुखी, 48 नित्यवाहिनी और 49 मुखी और 50 पश्चिमा नाम की नगरी है। इस प्रकार दक्षिण श्रेणी में 50 नगरियां हैं। इन नगरियों के कोट और गोपुर मुख्य द्वार बहुत ऊंचे हैं।
और प्रत्येक नगरी की तीन तीन परिखाओं से घिरी हुई हैं। इन दोनों परिखाओं का अंतर एक एक दंड अर्थात धनुष प्रमाण है तथा परिखा 14 दंड दो चौड़ी है और दूसरी 12 और तीसरी 10 दंड चौड़ी है। ये पारिखा अपनी अपनी चौड़ाई से क्रम पूर्वक पौनी आधी और एक तिहाई गहरी है अर्थात पहली पारिखा 10.5 धनुष दूसरी 6 धनुष और तीसरी 3.25 धनुष से कुछ अधिक गहरी है। ये सभी पारिखाएं नीचे से लेकर ऊपर तक एक सी चौड़ी हैं। ये पारिखाएं सुवर्णमय ईंटों से बनी हुई हैं, रत्नमय पाषाणों से जड़ी हुई हैं और ऊपर तक जाने के लिए पानी भरा रहता है और वह पानी भी स्वच्छ रहता है। ये पारिखाएं जल के आने जाने के परिवहनों से भी युक्त हैं। उन पारिखाओं में जो लाल और नीले कमल हैं उनके कर्णाभरण ऐसे जान पड़ते हैं जो जलचर जीवों की भुजाओं के आहत करने में समर्थ हैं। वे अपनी और अपनी ऊंचे लहरों से जान पड़ते हैं मानो बड़े बड़े समुद्रों के साथ स्पर्धा कर रहे हैं। इन पारिखाओं से ये 4 दंड के अंतर फासला पर एक कोट है जो कि सुवर्ण की धूली से बने हुए पत्थरों से व्याप्त है। 6 धनुष ऊंचा और 12 धनुष चौड़ा। इस कोट का ऊपरी भाग अनेक कंदरों से युक्त है। चेहरे गाय के खुर के समान गोल हैं और घड़े के उदर के समान भार की ओर उभरे हुए आकार वाले हैं। इस धूल कोटी के आगे एक परकोटा है जो चौड़ाई से दूना ऊंचा है। उसकी ऊंचाई मूल भाग से ऊपर तक 24 धनुष रहता है। यह 12 धनुष चौड़ा 24 धनुष ऊंचा है। इस परकोटे के अग्रभाग मृदंग तथा बंदर के सिर के आकार के कंगूरों से बना हुआ है। यह परकोटा चारों ओर से अनेक प्रकार के सुवर्णमय ईंटों से व्याप्त और कहीं कहीं पर रत्नमय शिलाओं से भी युक्त है। उस परकोटे पर अट्टालिकाओं की पंक्ति से बने हुए परकोटे की चौड़ाई के समान चौड़ी है। यह 15 धनुष लंबी है और दूरी अर्थात 30 धनुष चौड़ी है। ये अट्टालिकाएं 30-30 धनुष के अंतर से बनी हुई सुवर्ण और मणि से विचित्र हो रही हैं। इनकी ऊंचाई के अनुसार इसे चढ़ने की सीढ़ियां बनी हुई है। ये सभी आकाश से ऊंचाई को छू रही हैं। ये दोनों अट्टालिकाओं के बीच में एक गोपुर बना हुआ है। उस पर रत्नों के तोरण लगे हुए हैं। ये गोपुर 50 धनुष ऊंचे और 25 धनुष चौड़े हैं। गोपुर और अट्टालिकाओं के बीच में तीन तीन धनुष स्तर वाले कुछ अर्थात बुरज बने हुए हैं। बुरज की वाण से युक्त हैं। उन बुरजों के बीच में अतिशय स्वच्छ देवपद बने हुए हैं जो कि 3 हाथ चौड़े और 12 हाथ लंबे हैं। इस प्रकार ऊपर कई परिखा कोटा और परकोटा से घिरी हुई नगरियां ऐसी शोभित होने माने वस्त्र पहने स्त्रियां हों। इन नगरियों में प्रत्येक नगरी में 1000 चौक हैं, 12000 गलियां हैं और छोटे बड़े सब मिला के 1000 दरवाजे हैं। इनमें से आधे अर्थात 500 दरवाजे किवाड़ सहित हुए नगरी की शोभा को नेत्र से समान शोभित हो रहा है। इन 500 दरवाजों में भी 200 दरवाजे अत्यंत श्रेष्ठ हैं। ये नगरियां पूर्व से पश्चिम तक 9 योजन चौड़ी है और दक्षिण से उत्तर तक 12 योजन लंबी है। इन सभी नगरियों का पूर्व मुख पूर्व दिशा की ओर है। इन नगरियों के राजभवन आदि के विस्तार वगैरह का वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि जिस दिशा पर मुझे धर्मेंद्र की बुद्धि भी अतिशय मोह को प्राप्त हो रही है तब और की क्या बात क्या है। इन नगरियों में प्रत्येक नगरी में प्रति एक एक करोड़ गांवों का परिवार है तथा खेत मंडप आदि की रचना जुड़ी हुई है। ये गाँव बिना बोए हुए पैदा होने वाले शाली चावलों से तथा और भी अनेक प्रकार के धानों से सदा हरे भरे रहते हैं और उनकी सीमाएं पौड़ा और ईखों के वनों से सदा ढकी रहती है। इस विजयात पर्वत पर बसे हुए नगरों का अंतर भी सर्वज्ञ देव ने प्रमाण योजन के नाप से 195 योजन बताया है। जिस प्रकार दक्षिण श्रेणी में नगरों की बताएंगे उसी उत्तर श्रेणी में भी अनेक विभूतियों के नियुक्त नगरों की रचना है, किंतु वहां पर नगरों का अंतर प्रमाण योजन से कुछ अधिक 178 योजन है। पश्चिम दिशा से 60वें नगर तक उन नगरों के नाम अनुक्रम से इस प्रकार हैं: अर्जुनी, वरुणी, कैलाश वरुणी, देव्यत, प्रभत, किलिकिल, चूड़ामणि, शशिप्रभा, वंशाल, पुष्पचूर्ण, हंसगर्भ, वलाहक, शिवकर, श्रीहमर, हरे, चमर, शिवमंदिर, वसुत्मक, वसुमती, सिद्धार्थक, शत्रुंजय, केतुमाला, सुरेंद्रकान, गगननंदन, अशोका, विशोका, वीतशोका, अलका, तिलका, अंबर तिलक, मंदिर, कुमुद, कुंद, गगनवल्लभ, दयुतिलक, भूमितिलक, गंधर्वपुर, मुक्ताहार, निमिष, अग्निज्वाल, महाज्वाल, श्रीनिकेत, जैन, श्रीनिवास, मणिध्वज, भद्राश, भवनजय, गोक्षिर, फेन, अभ्योक्षय, गिरिशिखा, धरणी, धारण, दुर्ग, दुर्धर, दुर्दर्शन, सुदर्शन, महेंद्रपुर, विजयपुर, सुगंधनी, वज्रपुर, रत्नाकर, चंद्रपुर। इस प्रकार उत्तर श्रेणी में ये बड़े 60 नगर सुशोभित हैं। इनकी शोभा स्वर्ग के नगरों के समान है। ये नगर इंद्रपुरी के समान है और बड़े बड़े भवन स्वर्ग के विमानों के समान है। यहाँ का प्रत्येक नगर शोभा की अपेक्षा से दूसरे नगर से पृथक ही मालूम होता है तथा हर एक नगर का वैभव भी दूसरे नगर की वैभव की अपेक्षा पता की मालूम होता था। यहाँ के नगर एक से बढ़कर एक हैं। यहाँ के मनुष्य देव कुमारों के समान और स्त्रियाँ अप्सराओं के तुल्य हैं। ये सभी स्त्री पुरुष अपने अपने 6 ऋतुओं के भोग भोगते हैं। इस प्रकार यह विजयात पर्वत पर ऐसे शेष नगर को धारण कर रहा है। बड़े बड़े प्राचीन कवि भी अपने वचनों द्वारा जिनकी स्तुति नहीं कर सके
इनके सिवाय यह पर्वत अपने उत्कृष्ट ऊपर की उत्कृष्ट भूमि से ऐसा मालूम होता है मानो कि स्वर्ग की लक्ष्मी को बुला रहा हो। यह पर्वत अपने बड़े बड़े शिखरों से स्वर्ग को धारण करने कर रहा है और विस्तृत तलभाग से अधोलोक को धारण कर रहा है और समीप से घूमने वाले विद्याधर तथा धर्मेंद्र से मध्यलोक की शोभा धारण कर रहा है। इस प्रकार यह एक ही जगह तीनों लोकों की शोभा प्रकट कर रहा है जिनमें कोमल पल्लवों को बिछाने बिछे होते हैं और जो उपभोग के योग्य चंदन कपूर आदि से सुगंधित हैं। वन के मध्य में बने हुए लता ग्रहों से यह पर्वत विद्याधारियों के रति की ओड़ा को प्रकट कर रहा है। इस पर्वत के किनारों पर देव असुर कुमार किन्नर और नाग कुमार आदि देव अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अपने को अच्छे लगने वाले तो अपने योग्य संभोग आदि का उत्सव करते हुए नियम से निवास करने रहते हैं। इन पर्वत के देवों के सेवन करने योग्य नदियों के किनारे बने हुए लता ग्रह में बैठी हुई तथा प्रणय कोप से जिनके मुख मलिन तथा कुटिल हो रहे हैं ऐसी अपनी स्त्रियों को विद्याधर लोक सदा मनाते रहते हैं, प्रसन्न करते रहते हैं। इधर ये कुपति स्त्रियों को मृणाल के बंधनों से बांधकर रति क्रीड़ा से विमुख कर रही हैं। इधर कानों के आभूषण स्वरूप कमलों को ताड़ना करते हुए विमुख कर रही हैं, उधर मुख की मदिरा ही थूक कर उन्हें रति क्रीड़ा से परांगमुख कर रही हैं। यह पर्वत कहीं पे देवांगनाओं के सुंदर नृत्य और गीतों से मनोहर हो रहा है जिनसे ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेव का निवास स्थान और कहीं पे मधुरमत कोयलों का मधुर शब्द रूपी नगाड़ों से युक्त हो रहा है ऐसा मालूम होता है मानो कामदेव के विजयोत्सव का विलासी हो। कहीं तो यह पर्वत जल के कानों को धारण करने से शीतल और कमलों से कंपित करने वाली वायु से अतिशय सुखदायी मालूम होता है और कहीं मनोहर शब्द करते हुए भ्रमरों से व्याप्त वृक्षों के बीचों वाला बगीचे से अति सुंदर जान पड़ता है। यह पर्वत कहीं तो हाथियों के झुंड से सेवित हो रहा है, कहीं उड़ते हुए अनेक पक्षियों से व्याप्त हो रहा है और कहीं अनेक प्रकार के श्रेष्ठ मणियों की कांति से व्याप्त चंद्रांति के शिखरों से सुशोभित हो रहा है। यह पर्वत कहीं पर नीलमणियों से बने हुए किनारों से सहित है, इसके किनारे मेघ के समान मालूम होते हैं और उन्हें देख के मयूख असमय में ही नृत्य करने लगते हैं और कहीं लाल लाल रत्नों की शिलाओं से युक्त है इसलिए वे रत्न शिलाएं अकाल में ही प्रातः काल की लाली में फैला रही हैं। कहीं पर सुवर्ण में दीवालों से पड़कर लौटती हुई सूर्य की किरणें इस पर्वत का वन अतिशय दरिद्र मान हो रहा है जिससे पर्वत आकाश में चलने वाले विद्याधरों को दहाने लगाने में संदेह उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार अनेक विशेषताओं से सहित यह पर्वत रात दिन इंद्र के मन को भी ललचाते हुए कौतुक से युक्त रहता है अर्थात क्रीड़ा करने के लिए इंद्रों का भी मन ललचाता रहता है। तब विद्याधरों की बात किया जिसके किनारे पर लगे हुए वृक्ष गंगा नदी के जल से सींचे जा रहे हैं और जिसके शिखरों पर के वन मेघों से चिंबित हो रहे हैं ऐसा यह विजात पर्वत विद्याधरों के सेवित अपने मणिमय शिखरों द्वारा मेरु पर्वतों को भी जीत रहा है। जिसके वृक्ष गंगा नदी के जल से सींचे हुए हैं, जिसके अग्रभाग फूलों से सुशोभित हो रहे हैं और जिनके अनेक ब्रह्म शब्द सब कर रहे हैं ऐसे किनारों के उपवनों से यह पर्वत ऐसा मालूम होता है मानो देवों के उपवन की शोभा को भी हंसी कर रहा हो। इधर यह पूर्व दिशा की और जल के छीटों की वर्षा करता हुआ गंगा नदी सुशोभित हो रही है, उधर यह पश्चिम की हंसकल पक्षियों में मधुर शब्दों से शब्दायमान सिंधु नदी बह रही है। यद्यपि यह दोनों ही गंगा सिंधु नदी हिम्बत पर्वत के मस्तक पर के पद्म नामक सरोवर से निकली है अर्थात शुचिता अर्थात पवित्रता कारण इस विजयात पाद अर्थात चरणों की सेवा करती है सो ठीक ही है क्योंकि जो पवित्र होता है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। पवित्रता के सामने ऊंचाई व्यर्थ है। भावार्थ गंगा और सिंधु नदी हिम्बत के पद्म नामक समक्ष सरोवर से निकलकर गुहा द्वार से विजयात पर्वत के नीचे होकर बहती है। इसी बात का कवि ने अलंकारिक ढंग से वर्णन किया है। यहाँ शुचि और शुक्ल शब्द श्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार नीतिमान और नीति पुत्र श्रेष्ठ पिता से मन वांछित फल प्राप्त करते हैं उसी प्रकार पुण्यात्मा कार्य कुशल और नीतिमान विद्याधर अपने भाग्य और पुरुषार्थ के द्वारा इस पर्वत से सदा मनोवांछित फल प्राप्त किया करते हैं। यहाँ की पृथ्वी बिना बोए धन उत्पन्न करती है और यहाँ के खाने बिना प्रयत्न किए ही उत्तम उत्तम रत्न पैदा करती हैं और यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी असमय में ही उत्पन्न हुए पुष्प और फल स्वरूप रूप संपत्ति को सदा धारण करते रहते हैं। यहाँ के सरोवर पर सारस और हंस पक्षी सदा शब्द करते रहते हैं। फूली हुई लताओं पर भ्रमर गुंजा करते हैं। उपवनों में कोयले शब्द करती है जिससे ऐसा जान पड़ता है कि मानो यहाँ कामदेव सदा ही जागृत रहता हो। जो कमल वन के पराग को खींच रहा है, जो उपवनों के फूलों को वृक्षों को हिला रहा है और जो संभोग जन परिश्रम को दूर कर देने वाला है ऐसे वायु से यहाँ की विद्याधारियाँ सदा संतोष को प्राप्त होती रहती हैं। इस वन में सिंह रज रहा, उनके भय से हाथियों का समूह वन को छोड़ रहा है और जिनके मुख का ग्रास भी गिर रहा है ऐसे ही हिरणियों का समूह भी पर्वत के तल ग्रहों से निकलकर भागा जा रहा है। इधर तालाब के किनारे यह उत्कंठित हंसनी जो कमल के पराग को से बहुत शीघ्र पीला पड़ गया है और अपने साथ ही प्रिय हंस को चकमा समझ कर उसके समीप नहीं जाती है और अश्रु डालती हुई रोती रहती है।
इधर यह चकवी कमलनी के नवीन पत्रों से छिपे हुए अपने साथी चकवा को ना देख कर बार बार दीन शब्द करती रहती है। हुई तालाब के चारों ओर घूम रही है। इधर यह पर्वत के मणिमय किनारे पर शरद ऋतु का छोटा सा बादल आ गया। हल्का होने के कारण इनमें से इसे सब कोई सुखपूर्वक ले जा सकते हैं, इसलिए ये देवता विद्याधरों की कन्याएं इसे इधर उधर चलाती हैं और खींचकर अपने अपनी ओर ले जाती हैं। जो सब जीवों को अतिशय ईष्ट है और जो बहुत भारी हैं, जो अपनी लहरों से ऐसी जान पड़ती है मानो शरद ऋतु के बादल ही धारण किए हुए हैं, और जिसको जन जन वनों के अंतर्भाग तक फैलाया गया, ऐसी गंगा नदी भी यहाँ महापर्वत अपने निचले शिखरों को धारण कर रही है, और जो अतिशय जो कठिनाई से प्राप्त होने योग्य है, और जो लगातार समुद्र की ओर चली गई है, जिसने लताओं के वन को जल से आर्द्र कर दिया है, तथा जो अपने किनारे की उपमा को प्राप्त है, ऐसी सिंधु नदी भी यहाँ पर्वत धारण कर रहा है। इस प्रकार अनेक विशेष गुणों से सहित इस पर्वत पर जिसे देखो वही सुख देने वाला, हृदय को हरण करने वाला, आंखों को बुलबाने वाला जान पड़ता है। इस पर्वत के निचले शिखरों पर जो फूलों से व्याप्त हरी भरी वन की पंक्ति दिखाई दे रही है, वह इस पर्वत की धोती की शोभा धारण कर रही है, और शिखर के अग्रभाग पर जो सफेद सफेद बादलों की पंक्ति है, वह इसे पगड़ी की शोभा बढ़ा रही है, जिसका अंत भाग पर्दा के समान सफेद बादलों की पंक्ति से ढका हुआ और मणियों की प्रभा के प्रसार से जिसका सब अंधकार नष्ट हो गया है, इसे इस पर्वत के लता ग्रह में विद्याधारियां विद्याधरों के साथ क्रीड़ा कर रही है। इस पर्वत के ऊपर शरद ऋतु का मोटा बादल चंदोवा की सुबह बढ़ाता हुआ हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए विद्याधारी चिरकाल तक रमण करने की इच्छा से भी अपना घर बना लेती हैं, गर्मी की दिनों में भी गर्मी का दुख नहीं जानती हैं। ये शरद ऋतु के बादल भी चमकते हुए इंद्र नील मणियों की प्रभा में डूब कर काले बादलों के समान हो रहे हैं। इन्हें देखकर ये मयूर हर्षित होते रहते हैं, उन्मत्त होकर शब्द करते हुए पूंछ फैलाकर नृत्य करते रहते हैं। इधर ये विद्याधरों की स्त्रियां पर्वत के किनारे मिले हुए सफेद बादलों को स्थल समझकर उनके पास पहुंच जाती है, और इन पर उस प्रकार शैया बना रही मानव बिछे हुए किसी लंबे चौड़े रेशम की जाजब पर ही बना रही हूँ। इधर मनोहर शब्द करते हुए सारस पक्षियों के व्याप्त किनारों के तालाबों के किनारे पर ये जंगली हाथी प्रवेश कर रहे हैं, जिनसे ये हंसों की पक्तियां श्रावण मास के डर से आकाश में उड़ी जा रही हैं, और ऐसी दिखाई दे रही है मानो आकाश रूपी लक्ष्मी के हार की लड़ियां हैं। इधर ये सूर्य का बिंब हरे हरे मणियों से बने हुए किरणारों की कांति के समूह से आच्छादित हो गया है, इसलिए ये विद्याधर इसे कमलिनी का हरा पत्ता समझ के पर्वत के किनारे इसी की ओर बार बार देख रहे हैं। कहीं पर सरोवर के किनारे जंगली हाथियों के कपोलों की रगड़ से जिनकी छाल छिल गई हो, ऐसे वन के वक्त ऐसे जान पड़ते हैं मानो फूल रूपी आंसुओं की बूंदे डालते रहते हों, उनके भीतर बैठे हुए भंवरों की गुंजार के बहाने करुणाजनक शब्द करते ही रो रहे हों। इधर कमल वनों के मंद के कारण जिनके शब्द उत्कृष्ट हो गए हैं, ऐसे कल हंस और सारस पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, और इधर कोयलों के मनोहर शब्दों से बड़ा हुआ मयूरों का मनोहर शब्द विस्तृत हो रहे हैं। इधर इस वन में शरद ऋतु कैसे सफेद बादल और वर्षा ऋतु कैसे काले बादल स्वेच्छा के समान चल रहे हैं, और ऐसे जान पड़ते हैं मानो सफेद और काले दो हाथी एक दूसरे के मुंह के सामने सूंड से चलाते युद्ध कर रहे हैं। इधर वायु से जिसके वृक्ष चल रहे हैं और जो फूलों की पराग से बिल्कुल ढकी हुई है, और ऐसी वन की भूमि यद्यपि दिखाई दे रही है परंतु तथा सुंदरपी सुंदरगंधी का लोलुपी और चारों ओर से आता हुआ यह वनों का समय से दिखाई दे रहा है। इधर जो अनेक जंगली हाथियों का झुंड से सेवित है, जिससे उन वृक्ष उन हाथियों के मध रूपी जल से सींचे गए हैं, और जिनके वृक्ष लताएं बीच में पड़ते हुए मत मनोहर शब्द करते हुए ब्रह्मों के समूह से व्याप्त हो रही है, ऐसा यह वन कितना सुशोभित हो रहा है। इधर जो सुगंधित कमलों की वनों से रहित सहित और जो अतिशय मनोहर जान पाता है, ऐसी इन वनों की गलियों में ये समुद्र दांतों वाली विद्याधरों की स्त्रियां करधनी पहने हुए और नदियों के किनारे के बालू का टीलों जीतने वाली अपने बड़े बड़े झरनों से धीरे धीरे जा रही हैं। इधर वह पर्वत के वन सरस पल्लव और पुष्पों की रचना मानव बांट देना चाहती हैं, इसलिए वे भ्रमर के मनोहर शब्दों को बहाने इधर इस वृक्ष पर आओ इसे इस प्रकार निरंतर इन विद्याधारियों को बुलाते रहते हैं। इधर वृक्षों की सघनता के जिसमें खूब अंधकार हो रहा है, ऐसे फूले हुए वन के मध्य भाग में अपने शरीर की कांति से रोकने वाला अंधकार को दूर करती है ये विद्याधारी साथ में अनेक दीपक लेके प्रवेश कर रही हैं। इधर तरुण स्त्रियों ने अपने नाखूनों से इन लताओं के नमो कोमल पत्ते छेद दिए हैं, इसलिए फूलों का रस पीने की इच्छा से इन लताओं पर बैठे हुए निरंतर गुंजार करते हुए इन भ्रमरों का जान पड़ता है मानो इन लताओं के रोने का शब्द ही फैल रहा हो। इधर जिन्होंने फूलों के कर्णफूल बनाकर पहने हैं, फूलों के पराग से जिनके स्तन मंडल पीले पड़ गए हैं, और जिनकी बड़ी बड़ी आंखें कामदेव के पुराने समय जन प्रति ऐसी ये विद्याधारी फूल तोड़ने और इस पर्वत पर इधर उधर जा रही हैं। जिनकी भौंहें सुंदर हैं, नेत्र अतिशय चंचल और नखों की किरणें निकली हुई हैं मंजरियों के समान जो फूल तोड़ने के लिए वनों में तल्लीन हो रही है, ऐसी तरुण स्त्रियां जहां तहां ऐसी घूम रही मानो निकली हुई मंजरियों से सुशोभित होकर
चंचल भ्रमरों के समूह से युक्त सोने की लता रहता हूँ, जिसमें मंद मंद वायु चल रही, फूल खिले हैं, फूलों की फुली हुई मालती से जिनके किनारे अतिशय सुंदर रहे, ऐसे ऐसे उनमें से वायु काले काले भ्रमरों से युक्त वृक्षों की पंक्ति को हिला रही है। इधर जिसने कल वृक्षों की पंक्तियां हिलाई है, जिसने मंदार जाति के पुष्पों की प्रसाद पराग से दिशाएं सुगंधित कर दी है, जो मदोन्मत भ्रमरों और कोयलों के शब्द धारण कर रहा है, और जो नवीन कोमल पत्तों को भेद रहा है, ऐसा वायु धीरे धीरे सब ओर बह रहा है। इधर जो कमल वनों को धारण करने वाले जल में लहरें उत्पन्न कर रहा है, फूलों के रस की सुगंधि से सहित और अतिशय शीतल है, ऐसी वायु फूले हुए वृक्षों के शिखर का सब ओर से स्पर्श कर रही है। जिसने कोमल लताओं के ऊपर से के नवीन पत्तों को मसल लाया, जिसने निर्जनों की जल की बूंदों के समूह मंडलाकार होकर मिल रहे हैं, ऐसे यह वायु अपने द्वारा उड़ाए हुए फूलों के पराग को चंदोवा की शोभा प्राप्त करें। भावत इस वायु के वन के द्वारा उड़ाया हुआ फूलों का पराग चंदोवा के समान जान पड़ता है। इस वन में होने वाली विद्याधरियों की अतिशय रति क्रीड़ा में किन्नर लोग चारों ओर फैले हुए हैं, चंचल कंकड़ों के सबसे उनके साथ होने वाले नुपुरों की मनोहर झंकारों से सहज ही जान लेते हैं। इधर ये पक्षियों का समूह इस वन के मध्य भाग में हम लोगों के कानों को आनंद देने वाला एक तरह का शब्द कर रहा है, और इधर यह उन्मत्त हुआ मयूर विस्तृत शब्द करता हुआ एक प्रकार का विशेष नृत्य कर रहा है। इस महापर्वत के किनारे नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित वन की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। देखो वे वायु के द्वारा हिलते हुए अपने वृक्षों से ऐसी जनपति मानव नृत्य करना चाहती है, जिसमें अनेक भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ऐसी ये वनों की पंक्ति चलो ऐसी मालूम होती है, मानो इस पर्वत का यश ही गाना चाहती हो, और इसके चारों ओर फूलों के समूह बिखरे हुए हैं, उसे ऐसी जान पड़ती है मानो इस पर्वत की पुष्पांजलि ही दे रही हो। इस वन के वृक्षों पर बैठे हुए भ्रमर पुष्प रस का पान कर रहे हैं और कोयले मनोहर शब्द कर रही हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो भ्रमर रूपी चोरों के समूह ने इन वृक्षों पर सब पुष्प रस रूपी धन लूट लिया, इसलिए वह बोलती हुई कोयलों के शब्दों के द्वारा मानो हल्ला ही मचा रहा। इस पर्वत के चांदी पर बने प्रदेशों पर आकर जो मयूर नख खूब नृत्य कर रहे हैं, उनसे पड़ते हुए प्रतिबिंब इस पर्वत पर खिले नील कमलों के समूह की शोभा फैला रहे हैं। भावा चांदी की सफ़ेद जमीन पर पड़े हुए मयूरों के प्रतिबिंब ऐसे जान पड़ते हैं मानो पील में पानी में नील कमलों का समूह ही फैल रहा हो। इसका महात्म्य अनुपम है, इसकी कांति बर्फ के समान अतिशय स्वच्छ है, इसकी पवित्र मूर्ति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, अथवा किसी भी उल्लंघन न करने योग्य पुण्य की मूर्ति है, और इसने स्वयं समुद्र पर पहुंचकर उसका तिरस्कृत कर दिया है। इन सभी के चरणों से चांदी का विजात पर्वत पवित्री पर गंगा नदी के प्रवाह के समान सुशोभित हो रहा है। इस महापर्वत के प्रत्येक ऊंचे तट पर लगी हुई हरी हरी पवन पंक्तियों को देख के मयूरों को मेघों को शंका हो रही, जिससे वे हर्षित होकर पूछ फैला के नृत्य कर रहे हैं, जिसमें देव नागियां तो धरने सदा क्रिया करते हैं, जिसमें नाना प्रकार के लता ग्रह तालू और बालू के टीले बने हुए हैं, जिसमें वृक्ष कोमल पत्ते तथा फूलों से निजरन से उज्जवल रहते हैं, ऐसे ये उत्पन्न इन पर्वत पर बने शिखरों से सुशोभित हो रहे हैं। इधर यह सूर्य चलता चलता इस महापर्वत के किनारे आ गया है, वहाँ अनेक प्रकार के मणियों के किरण समूह से चित्र विचित्र होने के कारण आकाश में किसी अनेक रंग वाले पक्षी की शोभा धारण कर, जिसके मध्य भाग रत्नों से की कांति से व्याप्त हो रहे हैं, जिसमें नाग कुमार और वंत जाति के देव प्रसन्न होकर क्रीड़ा करते हैं, जिसने सूर्यमंडल को भी रोक लिया है, और जिन्होंने सब दिशाएं आच्छादित कर दी, जो वायु की गति को भी रोकने वाले हैं और देवांगनाओं का मन हरण करने वाले हैं और आकाश को उल्लंघन करने वाले हैं, ऐसे बड़े बड़े सघन शिखरों से यह पर्वत कैसा सुशोभित हो रहा है। इधर देखो जिसमें जिसका कोई महात्म्य समुद्र से धीरे धीरे निकलता है, उसी प्रकार इस पर्वत की गुफा में से यह भयंकर अजगर धीरे धीरे निकल रहा है, और इसने अपने शरीर से समय प्रति लोता छोटे छोटे पौधे और वृक्षों को पीस डाला जाए, क्रोधपूर्वक की गई फुतकार की गर्मी से समय प्रवर्तन को जल को जला रहा है। इस प्रकार पर्वत के किनारे अनेक प्रकार की रत्नों के प्रकाश में मिली संध्या काल की गहरी लालाएं फैली हुई है, जिससे यह रूप में होने पर भी अपनी प्रकृति से विरुद्ध सुवर्णमय मेरु पर्वत की दर्शनीय शोभा धारण कर रहा है। इधर देखो इस पर्वत के किनारे समीप पर लगे हुए असन जाति के वृक्षों का बहुत सा पीले रंग का पराग तीव्र वायु के उड़ा उड़ा आकाश में छाया हुआ सुवर्ण के बने हुए चित्र की शोभा धारण कर रहा है। इधर झरते हुए मध्यजल में भरे हाथियों के गंड स्थल खुजलाने से जिनकी छोटी छोटी चट्टानें अस्त व्यस्त हो गई हैं और वृक्ष टूट गए, ऐसी इस पर्वत के किनारे की भूमियां मदोन्मत हाथियों के मार्ग को सूचित कर रही है। भावा चट्टानों और वृक्षों को टूटा हुआ देखने से मालूम होता है कि यहाँ अच्छे अच्छे मदोन्मत हाथी अवश्य आते जाते होंगे। इधर देखो यह पर्वत के लता ग्रह में वन के भीतरी प्रदेश में यह हिरणियों के समूह की नाक खुलाफ लाकर बहुत से घास के समूह को सूंघते हैं, और उनमें से जो अच्छी घास जान पड़ती है उसे ही खाना चाहते हैं। उधर देखो उस पर्वत पर जो जो किनारा जिस भी प्रकार के रत्नों का बना हुआ है, यह हरण आदि पशु उन्होंने किनारों पर जाकर उसी उसी प्रकार की कांति को धारण को प्राप्त करते हैं, और ऐसा मालूम होते हैं मानो इन्होंने किसी दूसरी जाति का ही रूप धारण कर लिया हो। उधर यह हरणियों का समूह हरे रंग के मणियों की फैली हुई किरणों की घास समझ के खा रहा है, परंतु उसमें उनका मनोहर पूर्व
नहीं हो रहा है, इसलिए धोखा खाकर पास में ही लगी हुई सबुज की घास को भी नहीं खा रहा है। इधर वन में मध्य में गाती हुई किन्नर जाति की देवियों का संगीत सुनकर यह हरणियों का समूह आधा चबाया हुए तरणों का ग्रास मुंह से निकालता और नेत्रों से कुछ कुछ बंद करता हुआ चुपचाप खड़ा रहता है। इधर यह सूर्य का बिंब इस पर्वत के मध्य शिखर की ओट में छुप गया है, इसलिए सूर्य क्या अस्त हो गया ऐसी आकुल से व्याकुल हुई चकवी सायकाल के पहले अपने पति को पास खड़ी खड़ी भय के प्राप्त हो रही है। इस पर्वत पर कमलियाँ खूब विस्तृत हो रहा है, वे सदाई फूली रहती हैं। इस पर्वत पर भमरिया सभी सजा गुंजा करती हैं और हाथी सदा मत जलाते रहते हैं। यहाँ के वृक्षों के वन भी सदा फले फूले मनोहर रहते हैं। यह पर्वत शरद ऋतु के बादल के समान अतिशय स्वच्छ है। इसके शिखर पर लगी हुई ये हरी भरी वन की पंक्तियाँ से शोभा धारण कर रही, मानो पर्वत के सिवा अतिशय सफेद कांति को धारण करने वाले नितंब भाग पर नील रंग की धोती ही पहनाई हुई है। यह सुंदर पर्वत चंद्रमा के समान स्वच्छ है और दोनों ही श्रेणियों के बीच में हरे हरे मेघों के हरे वनों के समूह को धारण कर रहा है। इससे जान पड़ता है मानो मनोहर और सफेद मेघ के काले समान उज्ज्वल मूर्ति के सहित वायु के विवेक से आकर दोनों ही समूहवर्ती में ठहरे हुए काले काले मेघों को धारण करने वाला ऐरावत हाथी हो, जो सुगंधित फूलों की पराग से सब दिशाओं फैला और सुगंध के कारण इकट्ठे हुए भ्रमरों की स्पष्ट ढंकार से मनोहर जान पड़ता है, जो विद्याधारी होकर संभोग जनित खेत को दूर कर देता है। इस ऐसे वायु के पर्वत में धीरे वन में बताया था देवांगनाओं और पर्वत में रहने वाली स्त्रियों के बीच में प्रकृति के द्वारा किया हुआ स्पष्ट दिखलाने वाला है केवल नए अंतर है। देवांगनाओं के नेत्र टिमकार से रहित होते हैं और यहाँ की स्त्रियों के नेत्र लीला से कुछ तिरले सुंदर और चंचल कुछ अक्षों के विलास के सहित होते हैं। इधर देखो जिनके गंड स्थल पर अनेक उत्तम भ्रमर मंडरा रहे हैं, ऐसा यह वन में प्रवेश करता हुआ हाथी इस गिरिराज के सुवर्णमय तटों को देख कर दावानल के डर से वन को छोड़कर आया। इधर नीलमणि के बने हुए ऊंचे किनारों को देख कर यह मयूर मेघ की आशंका से हर्षित हो मधुर शब्द करता हुआ पूंछ उठाकर नृत्य कर रहा है, सो ठीक ही क्योंकि मूक स्वार्थी जन सिंचाई का विचार नहीं करते। इधर तालाबों में ये मंदर हंस मधुर शब्द कर रहे हैं और वृक्षों पर कोयल तथा भ्रमर शब्द कर रहे हैं। इधर फलों के बोझ से जिनकी शाखाएं नीचे की ओर झुक गई, ऐसे ही वृक्ष अपनी हिलती शाखाओं से ऐसे मालूम होते मानो कामदेव को बुला रहे हैं। उधर स्त्री अपने स्तन तट का स्पर्श करते हुए और उस पर सुख के अनुभव से कुछ कुछ नेत्रों को बंद करता हुआ यह किन्नर अपनी स्त्री के साथ वन के मध्य भाग से धीरे धीरे जा रहा है। उधर यह विजयात पर्वत पर अपने शिखरों का निर्मल शरीर करने वाले करोड़ों सिंह करोड़ों चमड़ी गाय और रंगों का करोड़ों रंगों को धारण कर रहा है। उसे ऐसा मालूम होता है मानो लोध वृक्ष के समान सफेद अपने यश समूह की संतति को धारण कर रहा हो। अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ विहार करते हुए देवों ने को इस पर्वत पर रजत में शिखरों पर जो संतोष होता है उन्हें ना स्वर्ग में मिलता है, न ही हिमवान पर्वत में मिलता है, ना ही सुमेरु पर्वत के किसी तट पर मिलता है। इधर देखो जो जंगल हाथियों के गंड स्थलों में रतन रखड़ से लगे हुए मत से तत्र बतर हुआ है, देखो उस पहाड़ की कुल चट्टान को जो ये हाथी सिंह हाथी समझ रहा है इसलिए उसे बार बार देख के प्रहार करता है और नाखूनों के समीप की भूमि को कूदता है। इधर इस वन में शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल शरीर की कांति को धारण करता होता है, पर्वत की गुफा रूपी मुख पर अटास की शोभा बढ़ाता हुआ सिंह धीरे धीरे जाकर जमाए रह रहा है और पर्वत के शिखर पर छलांग लगान मारने की इच्छा कर रहा है। पिता यह लताग्रह में अजगर पड़ा हुआ है, यह पर्वत के बिल में से अपना आधा शरीर बाहर निकालो ऐसा जान पड़ता है मानो एक जगह इकट्ठा किया हुआ पहाड़ की अंतड़ियों का बड़ा समूह हुई हो। इसने श्वास रोककर अपना मुख्य रूपी बिल खोल रखा और उस बिल को समझकर उसमें पड़ने वाले जंगली जानवरों के द्वारा यह अपनी क्षुधा का प्रतिकार करना चाहता है। यह पर्वत अपने लंबे फैले हुए शिखरों से समुद्र को जल को स्पर्श करता है, यह समुद्र वायु में कंपित होकर निरंतर उठती हुई लहरों की अनेक छोटी छोटी बूंदों के प्रतिदिन इस गिरिराज के तटों को शीतल करता है। सो ठीक ही है क्योंकि जिसका अंतःकरण शीतल तथा शांत होता है ऐसे महापुरुष समीप में आए हुए पुरुष को शीतल तथा शांत करते हैं। ये गंगा और सिंधु नदियां रस्सी करता जल रहित और ये गंगा और सिंधु नदियां सरसी कथा जल सहित और पक्ष में श्रृंगार से युक्त होने के कारण इस पर्वत के हृदय पर समान तट को विदीर्ण कर वायु को हिलाती वायु के द्वारा हिलती हुई तरंगों रूपी अपने हाथों से बार बार स्पर्श कर जले जाते सो ठीक है क्योंकि बड़े पुरुषों का भारी हृदय भी स्त्रियों के द्वारा भेदन किया जा सकता है। जिसकी जल वर्षा बहुत ही उत्कृष्ट है जो और जो मुक्ता फल द्वारा अथवा नक्षत्रों के समान अतिशय निर्मल है और जिसकी गजना भी उत्कृष्ट है, ऐसे ये मेघों की घटा अधिक मजबूत है जिसके सब असमान है। ऐसे इस विजया पर्वत के शिखरों पर समीप यद्यपि बार बार और शीघ्र आती है तथापि गजना के द्वारा सब ही प्रकट होती है। भावार्थ इस विजयात पर्वत के सफेद शिखरों के समीप छाए हुए सफेद सफेद बादल जब तक गरजते नहीं है तब तक दृष्टिगोचर नहीं होते। इन तर देवों के मनोहर वन के मध्य भाग के तालाब के बीच उधर
उधर श्रेष्ठ गमन करने वाले ये सारस पंक्षियों की पक्षी उच्च स्वर से शब्द कर रही है और इधर आकाश में जोर से बजती हुई शब्द करती है। मेघों की माला उच्च और गंभीर स्वर से गरज रही। रमण करने योग्य श्रेष्ठ निर्मल और सुंदर सस्ती वाली अपने पति को पसंद करने वाले को इसी संभोग के बाद इस पर्वत के श्रेष्ठ मणियों से दधिक मन तड़भाग पर बैठकर जिसके अवान्तर अंग अतिशय सुंदर है जो श्रेष्ठ वंश स्वर के सहित है और बहुत मनोहर ऐसा गाना गा रही है। इधर इस पर्वत के मध्य भाग पर सुंदर लतागाय बैठी हुई पति सहित प्रेम के परवश और तेजीपमान कांति के धारक विद्याधरी को देख के जाति के देवों की स्त्रियां लज्जित हो जाती हैं। यह विजयात पर्वत भी वृषभ जिनेन्द्र के समान है क्योंकि जिस प्रकार वृषभ जिनेन्द्र श्रीमान अर्थात अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित है उसी प्रकार वैरवी पर्वत भी श्रीमान अर्थात शोभा से सहित है। जिस प्रकार वृषभ जिनेन्द्र मनुष्य देव विद्याधर और चारणधर मुनियों के द्वारा सेवनीय है उसी प्रकार यह पर्वत भी उनके द्वारा सेवनीय अर्थात वे भी इसी पर्वत पर विहार करते हैं। वृषभ जिन्हें जिन प्रकार तीनों जगत के गुरु हैं उसी प्रकार ये पर्वत भी तीनों जगत के गुरु में अर्थात श्रेष्ठ है। इसी प्रकार वृषभ देव चंद्रमा के समान उज्ज्वल कीर्ति के धारक उसी प्रकार पर्वत भी चंद्रतूर से उज्ज्वल कीर्ति के समान है। वृषभ जिन्हें जिस प्रकार तुंग अर्थात उदार है उसी प्रकार यह पर्वत भी तुंग अर्थात ऊंचा है। वृषभ जिन्हें जिस प्रकार शुचि अर्थात पवित्र उसी प्रकार पर्वत भी शुचि अर्थात शुक्ल है। जिस प्रकार वृषभ जिन के पादम अर्थात चरण कमल भाद चक्रवर्ती के द्वारा आश्रित है उसी प्रकार ये इस पर्वत की पादम रथा नीचे के भाग भी दिग्विजय के समय प्रवत करने के लिए भरत चक्रवर्ती के द्वारा आश्रित हैं अथवा इसके पादमूल भरत क्षेत्र में स्थित हैं। इस प्रकार वशारण ऋषभदेव का सम्मान अतिशय उत्कर्ष यह विजयात पर्वत तुम दोनों की रक्षा करे। इस प्रकार युक्ति से तंडन के वचन कहने पर उन दोनों डाकुमानों में उस गिरिराज की प्रशंसा की और फिर उस तंडन के साथ नीचे उतर के अतिशय श्रेष्ठ और ऊंची ध्वजाओं से शोभित रथ नूपुर चक्रवाल नगर में नाम के नगर में प्रवेश किया। धर्मेंद्र के द्वारा वहां दोनों को सिंहासन बैठाकर सब विद्याधरों से कहा ये तुम्हारे स्वामी हैं। और फिर उस धीर वीर धर्मेंद्र ने विद्याधरों के हाथों से उठाए हुए सुवर्ण के बड़े बड़े कलशों से इन दोनों का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद धर्मेंद्र ने विद्याधरों से कहा जिस प्रकार इंद्रेश्वर का अधिपति है उस प्रकार ये नमी अब दक्षिण श्रेणी का अधिपति हो गया और अनेक सावधान विद्याधरों के द्वारा नमस्कार किया गया। यह विनमी चिरकाल तक उत्तम श्रेणी का अधिपति रहे। कर्म भूमि रूपी जगत को उत्पन्न करने वाले श्री जगत गुरु श्रीमान भगवान ऋषभदेव ने अपनी संपत्ति से इन दोनों को यहाँ भेजा है इसलिए सब विद्याधर राजा प्रेम के मस्तक से झुका के इनकी आज्ञा धारण करें। उन दोनों के पुण्य से तथा जगत गुरु भगवान ऋषभदेव की आज्ञा के निरूपण से और धर्मेंद्र के योग्य उपदेश से उन विद्याधरों ने वह सब कार्य उनके कहे अनुसार श्री गुरु जी स्वीकृत कर लिया। सो ठीक है क्योंकि महापुरुषों के द्वारा हाथ में लिया हुआ कार्य श्री जी सिद्ध होता है। इस प्रकार नयों के जानने वाले धीर वीर धर्मेंद्र ने उन दोनों के गांधर पदा और पद्मकदा नाम की दो विद्याएं दी और फिर अपना कार्य पूरा कर विनय से झुके उन दोनों राजकुमारों को छोड़कर वहां निवास स्थान चला गया। तदंतर धर्मेंद्र के चले जाने के बाद नाना प्रकार के संपूर्ण भोगोभोग को बार बार भेंट करते हुए विद्याधर लोग हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर स्पष्ट रूप से जिनकी सेवा करते थे ऐसे वे दोनों कुमार उस पर्वत पर बहुत ही संतुष्ट हुए थे। जो अपने अपने भाग्य के समान अलंगीय पुण्यात्मा जीवों का निवारण होने के कारण जो स्वर्ग का अनुग्रहण करती हैं और जो जिनेन्द्र भगवान के समर्षण के समान उन सब लोगों के द्वारा वंदनीय है ऐसी ही उस विजयात पर्वत की मिला पर दौरा कुमार सुखी से रहने लगे जिन्होंने अपने विधि पूर्वक अन्य विद्याएं सिद्ध की और विद्या में बड़े बड़े पुरुषों के साथ मिलकर अपने अभिलषित अर्थ को सिद्ध किया है। ऐसे वह दोनों कुमार विद्याओं के अधीन प्राप्त होने के बाद वह छह ऋतुओं में सुख देने वाले भोगों का उपभोग करते हुए उस पर्वत पर विद्याधरों के द्वारा विभुक्ति को स्थिति को प्राप्त हुई भवत। यद्यपि वे जन्म से विद्याधर नहीं थे तथापि यहाँ मिलकर उन्होंने अनेक विद्याएं सिद्ध कर ली थी और दूसरे विद्याधर मनुष्यों के साथ मिलकर वे अपना अभिलषित कार्य सिद्ध कर लेते इसलिए विद्याधरों के समान ही भोगाभोग भोग करते हुए रहते थे। इन दोनों कुमारों को प्रसन्न करते हुए विद्याधर लोग अपना अपना मस्तक झुकाकर उन दोनों की आज्ञा धारण करते थे। गौतम स्वामी राजा श्रेणी से कहते हैं कि हे राजन ये नमी अविनामी कहाँ तो उत्पन्न हुए थे और कहाँ उन्हें समस्त शस्त्रों को तिरस्कृत करने वाले ये विद्याधरों का इंद्रपद मिला यथार्थ में मनुष्य का पुण्य सुखदायी सामग्री को मिलाता है। नमी कुमार ने बड़ी बड़ी भोगोभोग की संपदाओं को प्राप्त करते हुए दक्षिण श्रेणी में रहने वाले समस्त विद्याधरी नगरियों के राजाओं को वश में किया था और विनमी ने उत्तर श्रेणी में रहने वाले समस्त विद्याधर नगरियों के राजाओं को नमीभूत किया था। इस प्रकार वे दोनों राजकुमार विद्याधरों की उस वक्त लक्ष्मी को विभक्त होकर विजयात पर्वत के तस् पर निष्कंटक रूप से लगे हे भविजय जिस प्रकार देखो भगवान के चरणों का आश्रय लेने दोनों कुमारों को पुण्य से ही उनके प्रकार की विभूति प्राप्त हुई इसलिए जो जीव स्वर्ग आदि लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं वे एक पुण्य का ही संचय करें। चर और अचर जगत के गुरु तथा तीन लोक के अधिपति द्वारा पूजित भगवान ऋषभदेव को नमस्कार ही दोनों भक्त विद्याधरों के अशीधीश्वरों के उत्तम सुख को प्राप्त किए हुए थे इसलिए जो भव्य जीव रूपी
मोक्ष रूपी अविनाशी पद और परम कल्याण जिन्हें के गुण प्राप्त करना चाहते हैं वे आदिगुरु भगवान ऋषभदेव को मस्तक झुकाकर प्रणाम कर उन्हीं के भक्तिपूर्वक पहुँच गए। इस प्रकार भगवत जिन सेनाचार्य प्रणित त्रिपुष्टि लक्षण श्री महापुराण संग्रह में नमी विनामी की राज्य प्राप्ति का वर्णन करने वाला 19वां पद समाप्त हुआ।